हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू एआई बिल्ड टेक। दोस्तों, मेरी पिछले वीडियो जो कि डे वन सीरीज की थी फ्री क्यूएक्यूसी कोर्स, उसको आपने बहुत सारा सपोर्ट किया है, थैंक्स अ लॉट। मुझे मेल्स भी बहुत सारे लोगों ने किया है, मैसेज भी किया है कि सर आप ये सीरीज कंटिन्यू रखिए, वी आर लर्निंग अ लॉट फ्रॉम दिस सीरीज। ठीक उसी तरीके से मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पे सीरीज को कंटिन्यू करने वाला हूँ। जो भी 25-30 डेज के क्लासेस होंगे वो सारे वीडियोस यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे। वंस दिस क्यूएक्यूसी कोर्स इज कंप्लीटेड, मैं क्यूएस स्टार्ट करूंगा, उसके बाद में दूसरे जो मैनेजमेंट कोर्सेस है वो भी मैं सिखाने वाला हूँ आपको। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, इस 30 डेज की मैं सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करूंगा, नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। सर्टिफिकेट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। जिस किसी को भी सर्टिफिकेट हासिल करना हो वो कमेंट बॉक्स में मुझे अपना नंबर और मेल आईडी डाल दे, हमारी टीम उन्हें कॉन्टैक्ट करेगी और सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम जाएंगे सीधा डे टू में, जिसके अंदर हम कवर करने वाले हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ क्यूएक्यूसी इंजीनियर। और इसके अंदर में बेसिक क्यूएक्यूसी इंजीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्यूएक्यूसी इंस्पेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्यूएक्यूसी मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऐसे बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज कवर किए हैं इसमें, बट ओवरऑल कॉन्सेंट्रेटेड ऑन क्यूए एंड क्यूसी। तो डायरेक्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, जहाँ पे हम समझेंगे क्यूएक्यूसी इंजीनियर्स ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। जैसे कि वेरियस इंडस्ट्रीज होते हैं, जहाँ पे मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, वेरियस इंडस्ट्रीज होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे आज जानेंगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर क्यूएक्यूसी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज कॉमन होंगे जो दूसरे इंडस्ट्रीज से भी होंगे, बट लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो मैं भी आपको बताऊंगा, दीज आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेयर ऑल दी क्यूएक्यूसी प्रोफेशंस आर इन्वॉल्व। सबसे पहला होता है इंश्योर क्वालिटी कंट्रोल, अकाउंटेबल फॉर द क्वालिटी ऑफ ऑल एक्टिविटीज विद इन डेप्थ नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू सिविल, आर्किटेक्चरल एंड स्ट्रक्चरल डिसिप्लिन्स, व्हाइल इफेक्टिवली मैनेजिंग मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोसेस। तो यहाँ पे सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है क्वालिटी को इंश्योर करना, क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए व्हाट आर दी पैरामीटर्स, आपको जो चेकलिस्ट या चेक पॉइंट जो लगाना है, आइदर इट में भी आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू और एनी अदर पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपको इंश्योर क्वालिटी कंट्रोल आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में से एक होती है। नेक्स्ट आती है मैनेज क्यूएक्यूसी डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ, डॉक्यूमेंटेशन इज द मेजर पार्ट फॉर अ क्यूए एंड क्यूसी इंजीनियर और अ इंस्पेक्टर। तो ये क्यूएक्यूसी टर्म में डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर आपको टेस्ट सर्टिफिकेट्स आ गए, आपको यहाँ पे कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट्स आ गए, टेस्ट रिजल्ट्स आ गए, इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट आ गए, एनसीआरस आ गए, साइट ऑब्जर्वेशंस, मटेरियल रिकॉर्ड्स, ये सारे सब कुछ आपको मेंटेन करने होते हैं। उसके बाद में आता है सेट एंड अपहोल्ड स्टैंडर्ड्स। यहाँ पे आपको क्या करना होता है एज ए क्यूएक्यूसी इंजीनियर एंड क्यूएक्यूसी मैनेजर और इंस्पेक्टर, आपको यहाँ पे इंस्पेक्शन के स्टैंडर्ड सेट करने होते हैं। कब इंस्पेक्शन होगा, किस तरीके से इंस्पेक्शन होगा, क्या क्या पैरामीटर्स आप कवर करेंगे उस इंस्पेक्शन में, अगर कोई मटेरियल है उसको कितने टेस्ट करने वाले हैं आप, तो आपको ये सारी चीज़ें पैरामीटर सेट करके आपको ये डबल इंश्योर करना होता है कि जो भी मटेरियल या जो भी वर्क आप इंस्पेक्ट करोगे दैट इज एज पर दी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड द प्रोसेस। नेक्स्ट उसके बाद होता है क्वालिटी रिव्यू ऑफ मटेरियल। यहाँ पे आप क्या करेंगे एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर, क्यूसी इंजीनियर, क्यूसी मैनेजर या क्यूसी ऑडिटर, आप जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल जो साइट पे आता है आप उसको कंप्लायंस देखेंगे उसका, वेदर इट इज एज पर दी प्रोजेक्ट में जो आपको प्रोडक्ट यूज़ करने वाले हो, मटेरियल यूज़ करने वाले हो, उसका जो स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग वो मटेरियल डिलीवर हुआ या नहीं हुआ है आप वो चेक करेंगे। देन नेक्स्ट आप उसको देखेंगे कि आपका जो प्रोक्योरमेंट टीम्स है उसके अकॉर्डिंग वो मटेरियल का क्वांटिटी साइट पे आया है या नहीं आया है, तो ये सारी चीज़ें आप चेक करेंगे इन टर्म्स ऑफ मटेरियल। देन नेक्स्ट होता है सुपरवाइज टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन। जब भी आप साइट पे जाओगे एज ए क्यूसी इंजीनियर, एज ए क्वालिटी इंजीनियर, एज ए इंस्पेक्टर, एज ए ऑडिटर, एज ए मैनेजर, एज ए टेक्निकल एडवाइजर, आप जब भी साइट पे जाओगे आप इंश्योर करोगे कि जो भी टेस्टिंग हो आपके सुपरविजन में टेस्टिंग हो, आप उसे शेड्यूल करें, यू हैव दैट कंट्रोल ऑन द टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देने की होती है। साथ में आपको टीम्स के साथ कोलैबोरेट करना होता है। क्यूसी इंजीनियर का काम ये नहीं होता है कि मैं क्यूसी इंजीनियर हूँ, मैं जाऊँगा साइट पर इंस्पेक्शन करूँगा और रिजल्ट्स पब्लिश करूंगा, नो नॉट एट ऑल। आप एज ए टीम काम करोगे, ध्यान रखना आपको यहाँ पे ये जरूरी है, अगर आप एज ए टीम काम करोगे तो ही आप सक्सेसफुल हो जाओगे, दैट इज अ बेसिक प्राइमरी एस्पेक्ट। देन नेक्स्ट सेम इन कंटिन्यूशन टू दैट इंश्योर कंप्लायंस एंड ट्रेनिंग। जब भी आप साइट पे जाते हो कॉन्ट्रैक्टर होता है वहाँ पे, आपको कंसल्टेंट होता है,
और क्लाइंट्स होता है, अगर आप क्लाइंट हो तो आपके नीचे बहुत सारे टीम्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना होता है, जो भी साइट पे सब वेंडर काम कर रहा है या कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा है, अगर किसी को कोई चीज़ मालूम नहीं होती है या फिर वो न्यू साइट पे है, वो कंपनी के लिए न्यू है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो भी क्वालिटी कंप्लायंस ट्रेनिंग्स है उसे प्रोवाइड करें, जो भी क्वालिटी के ट्रेनिंग्स है वर्कशॉप्स है आप उसे प्रोवाइड करें, क्वालिटी मैनुअल्स जो होते हैं वो आप उनको बताएं। तो ये सारा सब कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस आपको साइट पे करना पड़ता है एज ए क्वालिटी इंजीनियर, इंस्पेक्टर एंड सुपरवाइजर या मैनेजर। नेक्स्ट होता है इक्विपमेंट एंड हजार्डस मटेरियल मैनेजमेंट। आपको यहाँ पे जो भी मटेरियल होता है उसके हजार्ड रिलेटेड जो भी हजार्ड रिलेटेड इश्यूज होता है आपको सेफ्टी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करनी होती है, आपको उसको ओवरसी करना होता है। देन नेक्स्ट जो भी इक्विपमेंट स्टोरेज एरिया होता है, मटेरियल होता है और क्वालिटी ऑडिट्स होते हैं, ये सारे सब कुछ आपको साइट पे परफॉर्म करने होते हैं। यहाँ पे मैं बताता चलूँ, ऑडिट करना सिर्फ ऑडिटर का काम नहीं होता, ये हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑडिट का मतलब ये होता है इट्स अ प्री रिक्वेस्ट चेक, जहाँ पे आप जाके चेक करते हो कोई मटेरियल एज पर दी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है या नहीं है। आगे मैं डिटेल में आपको और समझाऊंगा मेरे वीडियोज में। नेक्स्ट होता है मॉनिटर एंड एनालाइज द प्रोसेसेस। तो यहाँ पे जब साइट पे टेस्टिंग होती है आपको मॉनिटर करना होता है, वो सारे प्रोसेस को आपको इफेक्टिवली उसे रिकॉर्ड करना होता है, प्रोजेक्ट एक्टिविटीज जो होती है वो आपको सुपरवाइज करनी होती है। देन नेक्स्ट आपको ये इंश्योर करना होता है कि जो भी काम साइट पे हो रहा है इट इज एज पर दी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड एज पर दी क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। देन नेक्स्ट कम्स दी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। जब भी आप साइट पे जाते हो, आप कोई चीज़ ऑब्जर्व करते हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस एक्टिविटी को और इम्प्रोवाइज कैसे किया जा सकता है, हाउ यू आर गोइंग टू डेवलप मोर यू कैन गेट मोर रिफाइंड प्रोडक्ट कैसे कर सकते हो। जब भी आप साइट पे जाते हो आपको ये अप टू डेट नॉलेज ऑफ क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड हर किसी को आपको कन्वे करना होता है। ऑन गोइंग क्वालिटी प्रोसेस रिकमेंड करेक्टिव एक्शन वेन नेसेसरी। अगर आप साइट पे जाते हो आपको लगता है कोई एक्टिविटी जो कि क्वालिटी में नहीं हो रही है, तो वहाँ पे ना कि आपको उस एक्टिविटी को रुकवाना है, बल्कि आपको उसको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन भी देना है कि वाई दिस इज हैपनिंग, इसके नुकसान क्या होंगे, रीवर्क क्या होगा, कैसे कॉन्ट्रैक्टर को इम्पैक्ट होगा, कैसे टाइम पे इम्पैक्ट होगा, ये सारे चीज़ें जाके जब फाइनेंशियल पे किस तरीके से अफेक्ट करेगी, ये सारी चीज़ें आपको समझाना होता है। देन नेक्स्ट डेवलप मेथड स्टेटमेंट। साइट पर जब भी कोई नया साइट स्टार्ट होता है तो वहाँ पे कोई न्यू एक्टिविटी आ जाती है, उस न्यू एक्टिविटी के लिए क्या मेथड ऑफ स्टेटमेंट रहेगा, उस न्यू एक्टिविटी के लिए किस तरीके से इंस्पेक्शन चेक पॉइंट्स बनेंगे, ये मेथड ऑफ स्टेटमेंट आपको बनाना होता है। अगर आप नहीं बना रहे, आप क्लाइंट है, तो आपको रिव्यू करना होता है। ITP इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान होता है, ऐसे बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस होते हैं जो आपको बनाना होता है साइट पे। देन नेक्स्ट कोऑर्डिनेट विद टेक्निकल टीम्स। जब भी आप साइट पे काम करते हो तो वहाँ पे मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होते हैं और साथ ही आपके साथ आपके कलीग्स होते हैं, टीम मेंबर्स होते हैं, उनके साथ आपको कोलैबोरेट करना होता है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना होता है, ताकि जब भी कोई मटेरियल आ जाए तो उसे आप सबके साथ मिलकर इंस्पेक्ट कर सके। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर साइट पे कोई स्टील आ रहा है तो स्टील जब आएगा तो साइट पे आने के बाद वो कहीं ना कहीं स्टोर होगा, तो उसे आपको क्वालिटी चेकिंग आपको करनी होती है, सेफ्टी को उसका लॉजिस्टिक के हिसाब से स्टैकिंग एरिया देखना होता है। वैसे ही MEP में ऐसे बहुत सारे चीज़ें आती है जिसमें आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। कंसल्टेंट का भी प्राइमरी रोल होता है इसमें, जहाँ पे अगर कोई एक मटेरियल है जो मान लीजिए MEP के अंदर कोई एक पैनल है, ऐसे स्पेसिफिकेशन वो पैनल XYZ प्रोडक्ट का होना चाहिए था, XYZ कंपनी का होना चाहिए था वो प्रोडक्ट, लेकिन वहाँ पे कुछ और डिलीवर हुआ है, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल स्टेक होल्डर के साथ कोऑर्डिनेट करना होता है, ताकि वो जो भी मटेरियल डिलीवर हुआ है वो टेक्निकली दैट शुड बी वैलिडेटेड। तो ये था एक छोटा सा एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा था कि किस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है, QA/QC इंजीनियर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किस तरीके से एग्जीक्यूट करना होता है साइट पे। आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि सपोर्ट करिए हमको, वी आर प्रोवाइडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स। हमारी और कोशिश रहेगी कि हम और अच्छे अच्छे ट्रेनिंग्स आपको लेकर आएँ और आपको इस ट्रेनिंग से बेनिफिट हासिल करा सकें। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड टेक केयर।